हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। ये एक प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है और इसमें आप ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस भी देख सकती हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो है हाउ टू कोप विद अ मिसकैरेज। किताबी बातें और रिसर्च या एक्सपर्ट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी मिसकैरेज की स्टोरी। तो एक सनी सा डे था और दोपहर का टाइम, मैं अपने वर्क प्लेस में फुल स्विंग वर्क मोड में थी और काफी खुश मिजाज भी। सडनली मुझे फील हुआ कि मेरे एब्डोमेन के लोअर हिस्से में मुझे कुछ क्रैम्प सा फील हो रहा है। थोड़ी देर तक तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, उसके बाद इस क्रैम्प का जो इंटेंसिटी था वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया और इसने मुझे काफी चिंतित किया। जब मैं वॉशरूम गई तो मेरी चिंता और बढ़ गई बिकॉज आई सॉ अ लिटिल स्पॉटिंग और तुरंत ही मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको थोड़ा क्रैम्प हो या फिर थोड़ी सी स्पॉटिंग हो, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगर ये स्पॉटिंग आगे जाकर ब्लीडिंग तक ना बढ़े तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अगर आप फिर भी खुद को दिलासा देना चाहती हैं तो आप एक अर्ली अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए आ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त मैं अराउंड 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी एज पर माई LMP और 2 दिन बाद ही मेरा अपॉइंटमेंट था फॉर द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ माई प्रेगनेंसी। उस दौरान टेंशन की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हस्बैंड को फोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटर है जल्दी से अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए, तो मैं जितनी जल्दी हो सके कैब बुक करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर पे पहुंची और जब मैं वहां पहुंची तब तक ये क्रैम्प बिल्कुल बंद हो चुका था और मैं थोड़ी सी रिलीव्ड फील कर रही थी। वहां पे मुझे काफी देर वेट करना पड़ा क्योंकि प्रायर कोई अपॉइंटमेंट मैंने लिया नहीं था और पेशेंट्स की लाइन काफी लंबी थी। इस दौरान 1 से 1.5 घंटे जब मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, वो भी अकेले क्योंकि मेरे हस्बैंड आए तो थे मुझे वहां मिलने लेकिन उनको एक इमरजेंसी काम से जाना पड़ा, तो मैं जब वहां बैठी हुई थी धीरे धीरे फिर से मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो क्रैम्प्स हैं फिर से हो रहे हैं एंड दिस टाइम विद डबल इंटेंसिटी। और इसके बाद मुझे ऑलमोस्ट दौड़ते हुए फार्मेसी तक जाना पड़ा और सैनिटरी पैड्स लेने पड़े क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। जितनी भी मेरी OBG रिलेटेड नॉलेज थी उससे मुझे इसका तो अंदाजा हो गया था दैट आई गेस आई वॉज लूजिंग माई बेबी, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड स्कैन का मैं वेट कर रही थी। और इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि देयर इज नो हार्ट बीट एंड एन एम्प्टी सैक। आई कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उस दौरान डॉक्टर ने काफी मुझे दिलासा देने की कोशिश तो की लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन। और उसके बाद कई दिन बीत गए, ऑलमोस्ट अ वीक विथ पेन, ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, पासिंग ब्लड क्लॉट्स। थैंकफुली सब कुछ स्पॉन्टेनियसली ही हो गया, मुझे DNC की जरूरत नहीं पड़ी। इसके आगे 2 से 2.5 हफ्तों में फिजिकली तो मैं हील हो गई थी लेकिन मेंटली हील होने में मुझे इसके आगे काफी टाइम लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मिसकैरेज रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातें बताई थी, मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए ताकि इससे उन माओं को थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए जो इस दर्दनाक परिस्थिति से फिलहाल गुजर रही हैं या फिर गुजर चुकी हैं। उन्हें ये पता चले कि ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात से गुजरने वाली वो अकेली महिला नहीं है। वैसे तो मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने ऊपर वाले का कि इसके आगे आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट प्रेग्नेंट विथ माई ट्विंस एंड माई रेनबो बेबीज आर नाउ 2 ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ओल्ड। लेकिन मिसकैरेज वॉज समथिंग जिससे उभरना मेरे लिए मेंटली काफी टफ रहा। एक प्लान प्रेगनेंसी थी वो और मुझे लगा जैसे मेरे ड्रीम्स, मेरे होप्स, मेरे प्लान्स, इन सब को मैंने खोया है। दो मैंने उस बेबी का हार्ट बीट तो नहीं सुना था लेकिन आफ्टर लूजिंग दैट बेबी आई फेल्ट लाइक आई हैव लॉस्ट अ रियल बेबी। इसी दौरान मेरे एक
फ्रेंड ने मुझे दिलासा देते हुए कहा था, मधु डोंट वरी, इट वॉज जस्ट अ बंच ऑफ सेल्स, अभी तो बेबी बना भी नहीं था, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? आई नो वो मुझे दिलासा देने के लिए ही था, बट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि एवरीबडी ग्रीव्स इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट मैनर। कुछ लोगों को शायद ऐसी पॉजिटिव बातें भा जाती हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है ऐसी बातें अच्छी ना लगे। और सच कहूँ तो जिस पे बीतती है उसी को समझ आता है कि कैसा फील होता है। कहना बहुत आसान है, बहुत सारे रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि कुछ महिलाओं को अच्छा लगता है जब वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपने इस दुख के बारे में बताती हैं। उन्हें एक क्लोजर अचीव करने में इस तरह के डिस्कशंस हेल्प करते हैं। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि मिसकैरेज वर्ड के जिक्र से ही उन्हें उन सारे अनप्लीजन मोमेंट्स के उस दुख का फिर से ऐसा लगता है कि नए सिरे से वो शुरू हो गया हो। इसके अलावा मैंने एक और बात अपनी एक्सपीरियंस में पाया है कि ये जो मिसकैरेज है जितना ट्रॉमेटिक होता है उस महिला के लिए, आसपास के लोग उसे इतना ट्रॉमेटिक नहीं समझते। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मे बी ठीक है, वो बस अभी कुछ सेल्स ही थे, वो बेबी बनकर नहीं आया था, आपने उसे नहीं देखा था, बट द मोमेंट यू कंसीव यू फील यू आर अ मदर। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ था। सो आई ग्रीव्ड अ लॉट, आई क्राइड अ लॉट। माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, और शायद इसलिए एट द एंड ऑफ द डे इन जम्बल ऑफ इमोशंस से, इस ग्रीव से मैं आगे निकल पाई। तो अगर आप ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, खुद से इन ऑब्स्टैकल्स को नहीं हटा पा रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशंस या थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग लेने से बिल्कुल ना कतराएं। जिस तरीके से पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश किया हुआ है, दैट इज अ रियलिटी, उसी तरीके से मिसकैरेज के बाद भी वुमन में डिप्रेशन दिखता है। इट इज क्लिनिकली सीन इन मेनी वुमन। सो आप एक्सेप्ट कीजिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। एक और बात, अगर मैं मिसकैरेज की बात करूँ तो मानसिक और शारीरिक तौर पर ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चैलेंजिंग होता है। मिसकैरेज के आगे 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं आपके नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वापस आने में, और इस पूरे पीरियड में हो सकता है आपको क्रैम्प्स हो, ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, आप बड़े बड़े क्लॉट्स ऑफ ब्लड पास करें, और अगर आपकी मिसकैरेज भगवान ना करे 12 हफ्ते के बाद हुई हो, जिसे हम लेट मिसकैरेज कहते हैं, फिर तो आपको स्तनों में भी कुछ असुविधा नजर आ सकती है। दो से तीन हफ्ते में आपका यूट्रस बैक टू द नॉर्मल साइज चला जाता है और सर्विक्स भी बंद हो जाता है। ये तो हो गई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। मेंटली आप इसके आगे भी कई दिनों तक, कई महीनों तक डिस्टर्ब रह सकती हैं। एज पर रिसर्च, कुछ महिलाएं इस गिल्ट में जीती हैं इसके बाद कि उनकी किसी गलती की वजह से मिसकैरेज हुआ। पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था कि मिसकैरेज को रोकने में आपका कोई कंट्रोल या आपके डॉक्टर का कोई कंट्रोल मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। तो खुद को इस गिल्ट से निकाल दीजिए। खुद को थोड़ा टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने खुद भी बहुत टाइम लिया इस पूरे पेनफुल एपिसोड से उभरने के लिए, लेकिन यहाँ मैं आपको एक पॉजिटिव बात बता दूं कि 87% ऑफ महिलाओं में जिनको मिसकैरेज हुआ है, आगे चलकर उनको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं आई है, ना कंसीव करने में, ना प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में, और ये 87% महिलाएं एक हेल्दी या एक से ज्यादा हेल्दी बेबी को जन्म देने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो आपको मिसकैरेज हुआ है डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम आप कंसीव नहीं कर पाएंगी या आपको बेबी नहीं होगा। तो उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसे निगेटिव इमोशंस को सहने के बाद एक टाइम आता है जब इस लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तो एज अ वुमन हु हैज गॉन थ्रू दिस पेनफुल एपिसोड ऑफ लूजिंग अ बेबी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रही हैं, या अगर आपके साथ भी मिसकैरेज जैसी कोई चुनौतीपूर्ण घटना घटी है, तो काइंडली तनाव ना लें। तनाव लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो कंटिन्यू रहते हैं, ये उतार चढ़ाव कंटिन्यू रहता है, जिसके
उसकी वजह से हम मूडी हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं? खुद का ध्यान कहीं और लगाएं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, आई नो, लेकिन जब मेरे साथ ये हो रहा था तो म्यूजिक, वॉकिंग या फिर कंसंट्रेटिंग ऑन माई वर्क, इन चीजों ने मुझे काफी हेल्प किया था। इसके अलावा आई फील कि आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस कर सकती हैं, आपको सुकून मिलेगा, बिकॉज ही इज समबडी हु हैज सफर्ड अ म्यूचुअल लॉस विद यू। मतलब शायद वो शो नहीं करें, यूजुअली मेल्स में ये इमोशंस दिखाने की जो बात होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन आपके दर्द को वो अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगर आपको इससे सुकून मिलता है तो आप अपने दर्द को ज़रूर बांटिए। मैं कहूँगी फिजिकल हीलिंग तो हो ही जाती है, लेकिन मेंटली भी खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, तभी आप फिर से एक नई तरीके से फैमिली को आगे बढ़ाने की एक प्लानिंग कर पाएंगी। आई होप मेरी इस एक्सपीरियंस से उन महिलाओं को थोड़ा बहुत कंफर्ट मिला होगा जो ऐसी बुरी परिस्थिति से गुजर रही है फिलहाल। अगर आप ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग। Thank you so much.